गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ओरेकल टेक इंडिया। और मैं अनिल के शर्मा, आज के इस वीडियो लेक्चर में डीबीएमएस में इंडेक्सिंग के बारे में बताऊंगा। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक भी करे, शेयर भी करे। तो चलिए समझते हैं कि डेटाबेस सिस्टम में इंडेक्सिंग क्या है। इंडेक्सिंग, तो इंडेक्सिंग जो है इट इज ए टेबल और डेटा स्ट्रक्चर। तो इंडेक्सिंग जो है एक टेबल या फिर इसको डेटा स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, विच कंटेन्स, जो कंटेन करता है, जो रखता है द वैल्यू ऑफ द की एट्रीब्यूट ऑफ ए पर्टिकुलर रिकॉर्ड। तो एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड की एट्रीब्यूट की ये वैल्यू रखता है। तो मतलब कि कंपनी की जो इंफॉर्मेशन है वो टेबल में स्टोर होती है। तो कंपनी की इंफॉर्मेशन, जैसे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय टेबल में स्टोर होगी, डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट टेबल में स्टोर होगी, लोकेशन की इंफॉर्मेशन लोकेशन टेबल में, सेल्स की इंफॉर्मेशन सेल्स टेबल में स्टोर होगी। तो ये जो इंफॉर्मेशन टेबल में स्टोर होती है, तो जो है ये रिकॉर्ड के फॉर्म में टेबल में स्टोर होती है। तो रिकॉर्ड के फॉर्म में कैसे टेबल में स्टोर होती है, तो लेट सपोज एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन, कंपनी की एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय टेबल में स्टोर है। तो कैसे स्टोर होगी, तो एम्प्लॉय टेबल में एक प्राइमरी की वाला कॉलम होगा। जैसे मान लेते हैं एम्प्लॉय आईडी एक प्राइमरी की वाला कॉलम है, तो एम्प्लॉय आईडी 101 की इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर होगी, एम्प्लॉय आईडी 102 की इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर होगी, एम्प्लॉय आईडी 103 की इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर होगी। तो इसी तरीके से जितनी भी एम्प्लॉय आईडी होगी उनकी इंफॉर्मेशन टेबल में स्टोर होती है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 101 ये एक रिकॉर्ड है, एम्प्लॉय आई डी 102 ये दूसरा रिकॉर्ड है, एम्प्लॉय आई डी 103 ये तीसरा रिकॉर्ड है। तो जितनी भी एम्प्लॉय आई डी है उतने रिकॉर्ड्स टेबल में होते हैं। तो इंडेक्स जो है एम्प्लॉय आई डी जितनी भी है उन्हीं वैल्यूज को इंडेक्स अपने पास रखता है, और उन्हीं वैल्यूज को यहाँ पे कहा गया है द वैल्यू ऑफ द की एट्रीब्यूट ऑफ ए पर्टिकुलर रिकॉर्ड। तो ये जो वैल्यूज है जो इंडेक्स अपने पास रखता है, रिकॉर्ड की वैल्यूज जो अपने पास रखता है, तो ये वैल्यू जो है ये पॉइंट करते हैं टू द लोकेशन, ये लोकेशन को भी पॉइंट करते हैं जहां पे रिकॉर्ड स्टोर होता है। और जो है इट इज यूज टू स्पीड अप एक्सेस टू द डिजायर डेटा। और ये जो वैल्यूज है इंडेक्स जो ये वैल्यूज कंटेन करता है, तो इन वैल्यूज को यूज करके डिजायर डेटा को बहुत ही स्पीड में एक्सेस किया जा सकता है। तो ये तो था इंडेक्सिंग के बारे में। अब समझते हैं कि इंडेक्सिंग कितने टाइप्स की होती है। तो टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग। तो दो टाइप्स की इंडेक्सिंग होती है, पहले को ऑर्डर्ड इंडेक्सिंग बोलते हैं, दूसरे को हैश्ड इंडेक्सिंग बोलते हैं। तो ऑर्डर्ड इंडेक्सिंग में क्या होता है कि सर्च कीज आर स्टोर्ड इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो सर्च कीज का मतलब जो रिकॉर्ड की वैल्यू है, जो एम्प्लॉय आईडी है 101, 102, 103, 104, 105, ये सब क्या है, रिकॉर्ड की वैल्यूज है। तो इन्हीं को सर्च की भी बोलते हैं। तो ऑर्डर्ड इंडेक्सिंग में जो है इन वैल्यूज को, इन सर्च कीज को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टोर करके रखा जाता है, असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करके रखा जाता है। तो ऑर्डर्ड इंडेक्सिंग को हम नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा अच्छे से समझेंगे। तो इसके बाद जो है हमारे पास है हैश्ड इंडेक्सिंग। तो हैश्ड इंडेक्सिंग क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ रिकॉर्ड बीइंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यूजिंग हैश्ड फंक्शन। तो हैश्ड इंडेक्सिंग क्या है,
कि रिकॉर्ड की जो वैल्यूज होती है, यानी कि एम्प्लॉय आईडी 101, 102, 103, 104, इसको बोलते हैं रिकॉर्ड की वैल्यूज। तो हैश इंडेक्सिंग में क्या होता है कि रिकॉर्ड की वैल्यूज को जो है हैश फंक्शन के साथ जो है बराबर रूप में, इक्वली जो है, यूनिफॉर्मली जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। मतलब कि रिकॉर्ड के हर वैल्यू के लिए हैश फंक्शन के साथ एक रिकॉर्ड बनाई जाती है, और उसके बाद जो है हैश फंक्शन इज यूज टू लोकेट रिकॉर्ड्स फॉर एक्सेस, इंसर्शन एज वेल एज डिलीशन। और उसके बाद जो है अगर डेटाबेस में, टेबल में कोई भी रिकॉर्ड एक्सेस करना है तो हैश फंक्शन को यूज करके हम कोई भी रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर डेटाबेस में, टेबल में किसी भी रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है तो हैश फंक्शन को यूज करके हम किसी भी रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। तो इन इट इसमें जो है वी ऑप्टेन द बकेट ऑफ ए रिकॉर्ड डायरेक्टली फ्रॉम इट्स सर्च की वैल्यू यूजिंग हैश फंक्शन। तो इसमें क्या होता है कि सर्च की वैल्यू, यानी कि एम्प्लॉय आईडी 101, 102, 103, इसको सर्च की वैल्यू बोलते हैं। तो सर्च की वैल्यू प्लस हैश हैश फंक्शन को मिला करके जो रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं सारे सर्च की के लिए, तो ऐसे रिकॉर्ड से जो है, ऐसे रिकॉर्ड्स का पूरा एक बकेट बन जाता है, एक तरह से एक बाल्टी बन जाती है। और इसके बाद जो है रिकॉर्ड्स विद डिफरेंट सर्च की वैल्यूज, और जो है रिकॉर्ड जो कि अलग अलग सर्च की वैल्यू के साथ उस बकेट में है, उस बाल्टी में है, में भी मैप्ड, उसको मैप कर लिया जाता है उसी बकेट में, और उसी बकेट में रिकॉर्ड को अलग अलग सर्च की वैल्यू से उस सेम बकेट में मैच कर लिया जाता है, मैप कर लिया जाता है, और मैप करने के बाद जो रिकॉर्ड हमें चाहिए वो रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देता है। तो दस एंटायर बकेट हैज टू बी सर्च्ड सीक्वेंशियली टू लोकेट ए रिकॉर्ड। तो अब हम अगर किसी रिकॉर्ड को लोकेट करना चाहते हैं, फेच करना चाहते हैं, तो उस रिकॉर्ड को लोकेट करने के लिए, फेच करने के लिए एंटायर बकेट को सीक्वेंशियली एक के बाद एक जो है सर्च करता है, और फिर जो है रिकॉर्ड को डिस्प्ले करता है। इस स्लाइड में ऑर्डर्ड इंडेक्सिंग को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है टाइप्स ऑफ सिंगल लेवल ऑर्डर्ड इंडेक्सिंग। तो टाइप्स ऑफ सिंगल लेवल ऑर्डर्ड इंडेक्सिंग में हमारे पास पहला जो है वो है डेंस इंडेक्सिंग। तो समझते हैं कि डेंस इंडेक्सिंग क्या है। तो इन डेंस इंडेक्स, तो डेंस इंडेक्स में जो है देयर इज एन इंडेक्स रिकॉर्ड फॉर एवरी सर्च की वैल्यू इन द डेटाबेस। तो डेटाबेस में एवरी सर्च की वैल्यू के लिए, तो सर्च की वैल्यू क्या है, तो पिछले स्लाइड में मैंने बताया था कि एम्प्लॉय टेबल में जो एम्प्लॉय आईडी है 101, 102, 103, 104, ये जितनी भी एम्प्लॉय आईडी है इसको सर्च की वैल्यू बोलते हैं। तो जो है डेटाबेस में उस तरह की जितनी भी सर्च की वैल्यू है उन सारे सर्च की वैल्यू के लिए जो है अलग अलग इंडेक्स रिकॉर्ड डेंस इंडेक्स में होते हैं। तो हर सर्च की वैल्यू के लिए जो है अलग अलग इंडेक्स रिकॉर्ड होते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि सर्चिंग जो है वो फास्टर हो जाता है, बट रिक्वायर्स मोर स्पेस टू स्टोर इंडेक्स रिकॉर्ड्स इटसेल्फ। तो इतने सारे सर्च की वैल्यू के लिए इतने सारे जो इंडेक्स रिकॉर्ड्स है, तो उन सारे इंडेक्स रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस की भी जरूरत पड़ती है।
तो इंडेक्स रिकॉर्ड्स कंटेन सर्च की वैल्यू, तो जितने भी इंडेक्स इंडेक्स रिकॉर्ड्स होते हैं तो वो सारे इंडेक्स रिकॉर्ड सर्च की वैल्यू को कंटेन करते हैं, साथ ही साथ एक पॉइंटर को भी कंटेन करते हैं, और वो पॉइंटर जो है डिस्क पे पड़े एक्चुअल रिकॉर्ड को पॉइंट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो डेंस इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम ये है कि एवरी सर्च की वैल्यू के लिए बहुत सारे इंडेक्स रिकॉर्ड बने होते हैं, तो उन इंडेक्स रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो है दूसरा इंडेक्सिंग यूज़ किया जाता है, उसको स्पार्स इंडेक्सिंग बोलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम स्पार्स इंडेक्सिंग के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डेंस इंडेक्स का पूरा डायग्राम है। तो यहाँ पे डेटा फाइल में ए बी सी डी ई एफ जी एच ये सारा जो है ये सर्च की वैल्यूज है। तो हर सर्च की वैल्यू पे एक इंडेक्स रिकॉर्ड बनाया गया है। ए के लिए अलग इंडेक्स रिकॉर्ड बनाया गया है, बी के लिए अलग इंडेक्स रिकॉर्ड बनाया गया है, सी डी ई एफ जी एच इन सब के लिए अलग इंडेक्स रिकॉर्ड बनाया गया है। तो इसी को डेंस इंडेक्स बोलते हैं। इस स्लाइड में जो है समझते हैं कि स्पार्स इंडेक्सिंग क्या है। तो स्पार्स इंडेक्सिंग जो है इट इज एन इंडेक्स रिकॉर्ड, ये एक इंडेक्स रिकॉर्ड है दैट अपियर्स, जो अपियर होती है फॉर ओनली सम ऑफ द वैल्यूज इन द फाइल। तो फाइल के कुछ ही वैल्यूज के लिए अपियर होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंडेक्स में जितनी भी सर्च की वैल्यूज होती है तो उन सारे सर्च की वैल्यूज के लिए जो है बहुत सारे इंडेक्स रिकॉर्ड नहीं होते हैं, बल्कि कुछ ही सर्च की वैल्यू के लिए जो है कुछ ही इंडेक्स रिकॉर्ड होते हैं। तो जैसे यहाँ नीचे हमारे पास डायग्राम है, तो यहाँ पे डेटा फाइल में हमारे पास सर्च की वैल्यू है ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो यहाँ पे हर सर्च की वैल्यू के लिए इंडेक्स रिकॉर्ड नहीं बनाया गया है। तो यहाँ पे सर्च की ए के लिए एक इंडेक्स रिकॉर्ड बनाया गया है, बट सर्च की बी वैल्यू के लिए कोई इंडेक्स रिकॉर्ड नहीं बनाया गया है। उसी तरीके से सी के लिए बनाया गया है, डी के लिए नहीं बनाया गया है, ई के लिए इंडेक्स रिकॉर्ड बनाया गया है, एफ के लिए इंडेक्स रिकॉर्ड नहीं बनाया गया है, और जी के लिए भी इंडेक्स रिकॉर्ड है बट एच के लिए इंडेक्स रिकॉर्ड नहीं बनाया गया है। तो स्पार्स इंडेक्स हेल्प्स यू टू रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ डेंस इंडेक्सिंग। तो जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया है कि डेंस इंडेक्सिंग में बहुत ज़्यादा स्पेस जो है ऑक्यूपाई हो रहा था, तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए स्पार्स इंडेक्सिंग को यूज़ करते हैं। तो स्पार्स इंडेक्सिंग जो है वो आपकी हेल्प करता है डेंस इंडेक्सिंग के इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए। तो अब देखते हैं कि स्पार्स इंडेक्सिंग में काम कैसे होता है। तो नाउ अब इफ वी हैव टू सर्च ए स्टूडेंट विद आईडी 102, अब मान लेते हैं कि हमें एक स्टूडेंट जिसकी आईडी 102 है उसको सर्च करना है इंडेक्स पे, यानी कि उस रिकॉर्ड को सर्च करना है। देन तब क्या होगा, द एड्रेस फॉर द आईडी लेस देन और इक्वल टू 102 इज सर्च। तो इस केस में क्या होगा कि जो स्टूडेंट आईडी 102 है तो उस स्टूडेंट आईडी 10 से कम या फिर स्टूडेंट आईडी 102 के बराबर सर्च की वैल्यू को क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। तो विच रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ आईडी 100। तो इसने क्या किया, हमने स्टूडेंट आईडी 102 को सर्च किया बट इसमें जो है 100 के एड्रेस को इसने रिटर्न कर दिया, सर्च की 100 के एड्रेस को रिटर्न कर दिया। अब हमें जो है 102 पे जाना है। तो दिस एड्रेस लोकेशन इज देन फेच्ड सिक्वेंशियली टिल वी गेट द रिकॉर्ड्स फॉर 102।
तो जब तक हमें 102 का रिकॉर्ड मिल नहीं जाता है, तब तक जो है ये 100 वाला जो एड्रेस है ये बढ़ता जाएगा, 101, 102, और 102 वाले रिकॉर्ड को हमने फेच करना चाहा तो 100 से 101, 102 पे जा करके उस रिकॉर्ड को ये डिस्प्ले करा देगा। तो हैंस इट मेक्स द सर्चिंग फास्टर, तो इससे सर्चिंग फास्टर भी हो जाता है और जो है ऑल्सो रिड्यूसेस द स्टोरेज स्पेस फॉर इंडेक्सेस। और इंडेक्सेस के लिए जो डेंस इंडेक्सिंग में जो स्पेस बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा था, तो यहाँ पे इंडेक्सेस के लिए स्टोरेज स्पेस भी बहुत कम ऑक्यूपाई करता है, मतलब स्टोरेज स्पेस रिड्यूस हो जाता है। तो ये था स्पार्स इंडेक्सिंग के बारे में। इस स्लाइड में अब समझते हैं कि प्राइमरी इंडेक्सिंग क्या है। तो प्राइमरी इंडेक्सिंग जो है, इफ द इंडेक्स इज क्रिएटेड ऑन द प्राइमरी की ऑफ द टेबल देन इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी इंडेक्सिंग। तो किसी भी टेबल की प्राइमरी की को यूज करके अगर हम कोई इंडेक्स क्रिएट करते हैं तो उस इंडेक्स को प्राइमरी इंडेक्स या फिर प्राइमरी इंडेक्सिंग कहते हैं। तो प्राइमरी की ऑफ द टेबल का मतलब है कि जैसा कि मैंने इस वीडियो लेक्चर में बताया है कि हमारे पास एक टेबल है, एम्प्लॉय टेबल है, और उस एम्प्लॉय टेबल में जो एम्प्लॉय आईडी है वो प्राइमरी की वाला कॉलम है। तो उस एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे अगर हम कोई, यानी कि उस एम्प्लॉय आईडी को यूज करके अगर हम कोई इंडेक्स क्रिएट करते हैं तो उसको प्राइमरी इंडेक्स या फिर प्राइमरी इंडेक्सिंग कहते हैं। सिंस दीज प्राइमरी कीज आर यूनिक टू इच रिकॉर्ड, इट इज मच इजियर टू फेच द रिकॉर्ड यूजिंग इट। तो क्योंकि ये जो प्राइमरी कीज है ये हर रिकॉर्ड के लिए यूनिक होते हैं, इसलिए इन प्राइमरी कीज को यूज करके किसी भी रिकॉर्ड को बहुत ही आसानी से फेच कर लिया जाता है। ऑल्सो दीज प्राइमरी कीज आर केप्ट इन सॉर्टेड फॉर्म विच हेल्प्स इन परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन। साथ ही साथ ये जो प्राइमरी की है ये सॉर्टेड फॉर्म में होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, इसलिए ट्रांजेक्शन के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में भी ये हेल्प करते हैं। तो द प्राइमरी इंडेक्सिंग इज ऑफ टू टाइप्स। तो प्राइमरी इंडेक्सिंग जो है ये दो टाइप्स के होते हैं, डेंस इंडेक्स और स्पार्स इंडेक्स। तो डेंस इंडेक्स और स्पार्स इंडेक्स दोनों को ही हमने इस वीडियो लेक्चर में कवर कर लिया है। तो डेंस इंडेक्स और स्पार्स इंडेक्स को प्राइमरी इंडेक्सिंग भी कहते हैं। तो फिजिकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन का मेरा ये वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।